अगला टूर मेरा इसमें मनवा दो, क्रूज में दवर्ड में। ये जा रही है बिजनौर वाया कोटद्वार होते हुए, जाना उतरना सही बताओ। डालो और फिर कॉफी या टी बैग डाल दो और फिर 5 गर्म पानी डाल दो, सिंपल है। मैं भी ऐसी बनाता हूँ। अच्छा, यहाँ फॉर्मेलिटी सी चल रही है स्कूटी के रिगार्डिंग, और मैडम देखो पहले स्कूटी लेके खड़ी हो गई। सनसेट होने वाला, सनसेट भी हो गया। हमारे साथ ऐसे ही हो रहा है, हम जहाँ जा रहे हैं उल्टा हो रहा है। गाइस फाइनली पोर्ट ब्लेयर पहुंच गए हम लोग, और कंचन जा रखी है उधर लगेज लेने। एक बैग हमने ये ले आए, ये रहा, और दूसरा बैग कंचन लेने जा रखी है उधर से। और बाकी सामने देखिए द वर्ल्ड शिप, इतना बड़ा है, उसमें कई सारे तो फ्लोर है। इसके जस्ट पास से ही हमारी शिप आई थी, ये वाली छोटी वाली, तो देखिए कितनी बड़ी शिप है। दोस्तों की मेहनत मशक्कत के बाद कंचन लगेज ले ही आई। और कंचन अगला टूर मेरा इसमें मनवा दो, क्रूज में द वर्ल्ड में, बताओ बना देंगे। बना दोगे? हाँ बना दूंगी। पक्का? पक्का। देख लो कमिटमेंट कर दी। कोई बात नहीं। ये जा रही है बिजनौर वाया कोटद्वार होते हुए, जाना उतरना चलो सही बताओ। तो गाइस जस्ट होटल में पहुंचने के जस्ट बाद ही कंचन को जो वेलकम ड्रिंक के साथ स्वागत किया गया है। कैसी है ड्रिंक? अच्छी है। अच्छी है सच में? अच्छी है। वाईफाई पासवर्ड एंड वेलकम ड्रिंक के साथ हमारा वेलकम है। बाकी हमारा जो रोज आइलैंड जाने का प्लान था वो तो मुझे नहीं लग रहा कि होगा, बिकॉज हम लेट हो गए, 1:30 बज गया, क्योंकि टाइम का इशू हो रहा है। जो फेरी चलती है रोज आइलैंड के लिए 2 बजे तक की चलती है, 1:30 में यहाँ बज गया, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग पहुँच पाएंगे। क्यों कंचू? मुश्किल है और जाना भी ठीक नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि बहुत थके हुए हैं, फिर हमारे डिवाइसेस हैं वो भी पूरे सब डिस्चार्ज हैं। फोन डिस्चार्ज है, कैमरा डिस्चार्ज है। बाकी यहाँ और भी जगह हैं घूमने लायक, वहीं घूम लेंगे। तो चिड़िया टापू ही चले जाएंगे, बाकी रोज आइलैंड स्किप करते हैं अभी के लिए। और अभी मैं आपको रूम टूर भी दूंगा, क्योंकि रूम मुझे ना बड़ा अच्छा लग रहा है। क्यों? है ना, काफी अच्छा रूम लगा मुझे, वो जो 5 स्टार था ना शीशाल वाला, उससे भी अच्छा लग रहा है मुझे, है ना, बहुत बेटर है। तो अभी रूम टूर भी दूंगा मैं आपको। और कंचन अभी कुछ कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि हम यही घूमेंगे और जल्दी आ जाएंगे कमरे पे अपने, क्योंकि फिर थके हुए भी हैं और फिर कल सुबह सुबह हमने निकलना भी है। सो गाइस मैं आपको देता हूँ रूम टूर। ये है हमारा गेट, बाकी जस्ट गेट से एंटर करते के साथ ही इधर वॉशरूम दे रखा है। वॉशरूम बड़ा लग्जीरियस और बड़ा प्रीमियम वॉशरूम है, देखिए मस्त एकदम। इधर हमारी अलमीरा दे रखी है, अलमीरा के अंदर एक लॉकर दे रखा है नीचे ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए, और इधर हमारा लगेज रखने का है। बाकी इधर वाटर बोतल विद कैटल एंड चाय कॉफ़ी बनाने के लिए। ये है हमारा बेड, बेड के जस्ट सामने टीवी है, और इधर कंचन है, इसको तो आप जानते ही होंगे, जानते हैं नहीं जानते हो? नहीं जानते। बाकी एक मिरर इधर दे रखा है और एक मिरर दे रखा है इधर। कंचन दो दो मिरर में अपनी फ़ोटो देख सकती है, अपना आपको देख सकती है, ठीक है। एक सोफ़ा दे रखा है इधर, सामने बालकनी बड़ी सुंदर सी, तो बालकनी के बाहर चलते हैं, जो मैंने अभी तक खोली नहीं थी, देखते हैं। वाओ स्लाइडिंग स्लाइडिंग डोर, बालकनी से जो व्यू आ रहा है, देखिए सामने रोड का व्यू है। और सबसे अच्छी बात है बालकनी के जस्ट सामने एयरपोर्ट है, वो सामने एयरपोर्ट है, ये पूरा एयरपोर्ट है। तो जब सुबह हम लोग निकलेंगे तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, रोड क्रॉस करके एयरपोर्ट आ जाएगा। तो देखा कंचन कैसा लगा मेरा आइडिया एयरपोर्ट के एकदम सामने रूम लेने का? एकदम अच्छा था। अच्छा था, जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। हाँ ये बात, ये पकड़ी ना कंचन को भाई, इस चीज़ का वो है कि सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा, इस चीज़ की खुशी है। तो ये था हमारे रूम का टूर, मैंने आपको दे दिया एक छोटा सा टूर। तो गाइज ये रूम है, बाकी होटल का नाम क्या है कंचन? सैंड हेवन। सैंड हेवन, जिसके नाम का बोर्ड भी लग रखा है, सैंड हेवन। तो दोस्तों रूम टूर तो मैंने आपको करा दिया, अब थोड़ा सा रिफ्रेश सा हो जाते हैं, थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, नहा धो लेते हैं, और उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद कंचन हाँ। शाम को चलेंगे घूमने, ठीक है? हाँ। क्योंकि अभी मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए दोस्तों कंचन नहा धो के एकदम रेडी हो गई है, कहाँ जाने के लिए? चिड़िया टापू। चिड़िया टापू बीच, बहुत देर से कंचन के पीछे पड़ रखा हूँ कि चाय बना दो चाय बना दो। मुझे आती नहीं है इसमें चाय बनाना, इसमें चाय बनानी आती, मैं सिखाऊंगा तुम्हें। इसमें पानी डाला, 2 कप पानी डाला, इसके अंदर रख दो, मतलब इसके ऊपर कैटल को, और बस ऑन करो, और कप में थोड़ा चीनी डालो, दूध डालो, और अगर कॉफ़ी है तो कॉफ़ी, नहीं तो टी बैग करके बना के दो, जल्दी शाबाश शाबाश कंचन, शाबाश शाबाश बनाओ। बना जिस हिसाब से कंचन पैकेटें देख रही है ना,
कि ये बनेगा या ये करेंगे ऐसे करेंगे, तो मुझे लग नहीं रहा कि ये बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी। कैसे करना है बताओ ना। इसमें चीनी डालो दोनों में, दो दो पैकेट, फिर दूध डालो और फिर कॉफी या टी बैग डाल दो और फिर पानी, गर्म पानी डाल दो। सिंपल है, मैं भी ऐसे बनाता हूँ। कंचन ने हमारे लिए चाय बना दी है। पकड़ो गरम है। और चाय का कलर तो भाई अच्छा खासा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अब वो पी के पता चलेगी कैसी चाय है। सही से पकड़ो, मैंने पकड़ लिया, आप अपनी पियो। मैंने एक ही कप बनाई है, पहले आप पी के बताओ कि कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है, देखने में तो अच्छी लग रही है, पी के बताता हूँ। परफेक्ट, बढ़िया है। तुम तो एक बारी में सीख गई। शाबाश, अपने लिए बना लो। हाँ बढ़िया, चलो ठीक है। पहले आपको सही है कि नहीं? बढ़िया बनाई है। तालियां तालियां कंचन के लिए, तालियां बजा दो भाई। जल्दी पी लो फिर चलना है। होटल से तो हम लोग निकल गए और ये भैया स्कूटी लेके भी आ गए और इस बार हमें मिल रही है जुपिटर घूमने के लिए। तो जो हमारा चिड़ियापुर टापू था वो तो अब हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जाने में एक घंटा लग जाएगा और वो सनसेट जो होने वाला वो हमें मिलेगा नहीं। तो हमें दो बीच बताए, एक तो कार्बन बीच बताया और एक चॉकलेट पार्क बताया। चॉकलेट पार्क का जो व्यू आएगा वो बहुत अच्छा व्यू आता है दोनों साइड का, तो वो कवर कर लेंगे। और कार्बन बीच में बीच है नॉर्मल बीच, तो वो कवर कर लेंगे। तो फिलहाल तो स्कूटी लेते हैं और फिर निकलते हैं। तो यहाँ फॉर्मेलिटीज ही चल रही है स्कूटी के रिगार्डिंग। और मैडम देखो पहले स्कूटी लेके खड़ी हो गई। ये फॉर्म है जो कि फिल किया गया है स्कूटी के लिए। 2000 रुपीज़ डिपॉजिट करने हैं, 600 रुपये पर डे के लिए स्कूटी मिलेगी पोर्ट ब्लेयर में। ब्लेयर और लेर आइलैंड में हमें 600 रुपये पर डे मिली थी और हैवलुक में 500 रुपये पर डे। तो 2000 रुपये इसमें डिपॉजिशन है, जो कि 1400 रुपये अगर आप अगले दिन रिटर्न करते हो 1400 रुपये आपको रिफंडेबल अमाउंट होती है। तो गाइस भैया ने स्कूटी प्रोवाइड कर दी है और कंचन मैडम चला रही है, मैं पीछे बैठा हूँ। तुम चलाओगी मैं चलाऊँ? तुम चलाओगी पीछे, मैप लेके बैठो। चल दिए हम लोग अब पोर्ट ब्लेयर की सैर करने, पोर्ट ब्लेयर को एक्सप्लोर करने। और कंचन मैडम स्कूटी चला रही है और सामने देखिए बादल हो रहा है। खेल खेल के पोर्ट ब्लेयर की रोड में भी स्कूटी चला दी तुमने, ठीक है। ओए कंचन आराम से, और मैं बैठ रखा हूँ पीछे, मैं मैप बता रहा हूँ। सबसे पहले हम आ गए जॉगर्स पार्क में। ये हमने अपनी स्कूटी खड़ी कर दी इधर और ये पूरा जॉगर्स पार्क है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। और ये देखिए सामने पूरा जॉगर्स पार्क है। कंचन पहले चली गई आगे और यहाँ से हम लोग आए हैं। हमें बताया गया था कि यहाँ से एयरपोर्ट का पूरा रनवे दिखता है और नीचे का अच्छा सा व्यू आता है। तो हमने पहले क्या सोचा कि पहले जॉगर्स पार्क आते हैं, जॉगर्स पार्क घूमते हैं, उसके बाद जाएंगे कैरिबियन बीच। देखिए दोस्तों ये एयरपोर्ट का रनवे है पूरा प्लेन का, और ये जॉगर्स पार्क से व्यू है नीचे का। और देखिए लोग आ रहे हैं और यहाँ पे वॉक करने के लिए, और अच्छा था पार्क बना रखा है वहाँ पे, बच्चे एक्सरसाइज करने के लिए झूले वगैरह भी हैं। कंचन यहाँ बैठ गई, प्लेन अभी आएगा कंचन के सर के ऊपर करता हुआ जाएगा। तो गाइस यहाँ घूमने के बाद हमें अंकल जी मिले हैं जो कि जॉगर्स पार्क के बारे में बताएंगे। ये जॉगर्स पार्क जो है आपको करीबन 10 साल से ज़्यादा ही होगा ये बनकर। अच्छा, यहाँ पे जॉगिंग करने के लिए अच्छा भी लगता है, बहुत सारे लोग सुबह शाम जॉगिंग करने के लिए आते हैं, करने के लिए आते हैं। और मैंने सुना यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है, देखो नीचे का। हाँ, नीचे का एरिया एयरपोर्ट का एरिया है। अच्छा, प्लेन चलते हुए रनवे पे दिखते हैं, रनवे से देख सकते हैं। ये बीबीएमसी का है। अच्छा, नगरपालिका। अच्छा, नगरपालिका है। 5 बजे से शुरू होता है, शाम को यानी रात को 8 बजे तक, 8 बजे तक रहता है। कंचन तुम पार्क नहीं घूम रहे, तुम फोटो शूट कर रहे हो, फूलों की फोटो शूट कर रहे हो। तुमने रनवे का फोटो लिया? मेरी फोटो भी खींची, दिखाओ। वाओ 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 वाओ, तो गाइस जॉगर्स पार्क घूमने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं कार्बन बीच। तो कार्बन बीच जाके देखते हैं वहां का कैसा सीन है, वो भी यहीं पास में ही है जॉगर्स पार्क के। तो पहले तो अपनी स्कूटी स्टार्ट करते हैं, कौन सी, यही है ना हमारी स्कूटी। आपको कैसा लगा जॉगर्स पार्क? ठीक है, नॉर्मल है, रनवे अच्छा है, बस रनवे ही है। हाँ, थोड़े बहुत झूले हैं, झूले भी ठीक ठाक ही। तो दोस्तों फाइनली अब हम पहुंच गए कैरिबियन बीच और स्कूटी हमने यहाँ खड़ी कर दी। कंचन चलो तुम्हें कार्बन बीच घुमाता हूँ। चलो। और देखो भीड़, इधर गाड़ियों की पार्किंग हो रखी है तो लोग आ रखे हैं भाई, यहाँ भी भीड़ काफी है। ये हमारा दूसरा तीसरा बीच है ना आज। हाँ। आज हमारा तीसरा बीच है। सबसे पहला बीच था कौन सा? सनराइज बीच, सीतापुर बीच।
दूसरा था हमारा नेचुरल बीच और अब ये कार्बन बीच। चिड़िया टापू बीच हम गए नहीं तो इसके बदले कार्बन बीच आ गए। कार्बन बीच भी अच्छा बीच है, बहुत सारी क्या कहते हैं समुद्र की एक्टिविटी जो हो रही है, मेरे को लग रहा है यहाँ होती वगैरह है, यहाँ पर अब तो बंद हो गई, टाइम भी हो गया ना काफ़ी, इसलिए अभी तो कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, पर हाँ ये देख के लग रहा है कि वहाँ पे बोट वगैरह खड़ी है। मैं कह रही हूँ यहाँ पे कोई और एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ बोट ही बोट है। हाँ सही कह रही हो, जेट्स की तो नहीं है पर बोट ही बोट है और लोग पूरा इंजॉय कर रहे हैं। कंचन तुम भी एक सीट पकड़ कर बैठ जाओ और समुद्र की लहरों का आनंद लो। कुछ भूख लग रही है, चलो आओ इसमें पूरा इंजॉय करेगी। एक वो ले आओ, बीच में क्या खाते हैं, बीच में तो वैसे बियर वगैरह पीते हैं, पर तुम बियर वगैरह पीती हो नहीं तो बस तो फिर नहा लो तुम भी। ये देखना भाई पूरा समुद्र की लहरों में नहाया जा रहा है भाई। क्या आज तुम्हें मछली बहुत दिख रही है, चप्पल पीछे उतार दो, वो देखो उसे भीगने का शौक ही है तुम्हें। कितने की भैया बेलपुरी? चाइना पापड़ी चाटे, मैंगो का सेपरेट काट के मिर्ची मसाला, खीरा का सेपरेट काट के मिर्ची मसाला, स्टार फ्रूट का काट के मिर्ची। बेलपुरी कितने की है? 50 का, कोई भी 50 का सर। 50 का है? बेलपुरी बनवा लो पंचू। एक चाहिए दो चाहिए? एक। समुद्र के सामने बेलपुरी है का एंजॉय करेगी अब पंचू। और दोस्तों ये जो बीच है ना किस लिए फेमस है? ये सनराइज के लिए, पर सनराइज तो अब होने नहीं वाला, सनसेट होने वाला। सनसेट भी हो गया हमारे साथ, ऐसे ही हो रहा है, हम जहाँ जा रहे हैं उल्टा हो जा रहे हैं। जहाँ सनराइज होना होता है वहाँ सनसेट में चले जाते हैं और जहाँ सनसेट होने वाला है वहाँ सनराइज में चले जाते हैं। सनराइज के लिए फेमस है ना भैया बीच, अब तो सुबह ही होगा। भेलपूरी लेने के बाद सबसे अलग बैठ गए, सबसे अलग, किसी को पूछ ही नहीं रही। चलो खाते हैं। दोस्तों सामने है समुद्र और उसकी हल्की हल्की छोटी छोटी लहरें, इधर कंचन और कंचन के हाथ में भेलपूरी और अब खाते हैं। कैसी हो रही है भेलपूरी? अच्छी हो रही है। और अकेले अकेले खाओगी, मुझे भी खिलाओगी? आपको भी खिलाऊंगी। तब ठीक है। बीच घूमने के बाद भेलपूरी खाने के बाद हम लोग आ गए नारियल वाले भैया के पास और यहाँ पे एक नारियल पानी पियेंगे। भैया मलाई वाला क्या कह रहे हैं? ज्यादा मलाई वाला, वो कच 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 होने वाला। अच्छा अच्छा दे दो भैया एक। ये भाई साहब ट्रिक होती है काटने के, देख रहे तुम उल्टे हाथ से छील दिया पूरा नारियल। ये बात कंचन बेलपुर से तुम्हारा पेट नहीं भरा तुमने नारियल पानी ले लिया? ये नारियल पानी आपने लिया तो लाओ मुझे दो फिर। तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रही हो फिर इसके साथ? थोड़ा सा पीऊंगी ना। तो गाइस मार्केट घूमने के बाद अब हम लोग आ गए खाना खाने रेस्टोरेंट में, नाम है आनंदा, अ मल्टी क्रूसन रेस्टोरेंट। आओ भूख लग रही है? भूख लग रही है बहुत जबरदस्त। अब खाना खा के डायरेक्ट जाएंगे रूम पे और करेंगे आराम, क्योंकि कल सुबह निकलना है। हमारी टेबल के बगल में पूरा समुद्र ला रखा है इन्होंने, मच्छी, डेड कोरल, कितना अच्छा लग रहा है। और मच्छी देखो कितनी सुंदर सुंदर मच्छी है। हाँ तुम्हारा मूवी मच्छी की तरह है कंचन मच्छी। और ये देखे दोस्तों कितनी सुंदर सुंदर मच्छी है भाई, बहुत सुंदर। कंचन तुमने पकड़ी थी ना? हाँ। आज तो हाँ, पकड़ी थी शायद। ओ कितनी बड़ी है ये तो, ये कितनी बड़ी मच्छी है, देखो कैसे देख रही है, इसकी वीडियो बन रही है ना, देख रही है। और वो देखो वो तो उससे ही बड़ी है, और सबसे बड़ी तो ये बैठी है। तेज वाली भूख लग रही है, अब बस खाना खा के और फिर निकल जाएंगे। और कंचन ने मेनू आते के साथ ही मेनू मंगा लिया, अब मेनू में ढूंढ रही है क्या चीज़ मंगानी है, बंगाली थाली की साउथ इंडियन थाली? साउथ इंडियन थाली, बंगाली मंगा लो, अच्छा है बंगाली, अच्छी है। हाँ उसमें कैसे कैसे रहेगा तो क्या खाओगी? मुझे खानी है सब्जी रोटी और रायता। ओके तो ऑर्डर दो, कंचन को खानी है सब्जी रोटी रायता, मैं भी यही खा लूंगा सब्जी रोटी रायता ही, रायता तो नहीं खाऊंगा पर सब्जी रोटी। नॉर्मल सा खाना खाएंगे मच्छियों के साथ।